आपको सबसे पहले दिन में ही हमने समझाया था फैसेट अरेंजमेंट एक टॉपिक था फैसेट अरेंजमेंट उसमें क्या था उसमें हमने आपको बताया था कि एक राउंड ब्रिलियंट कट डायमंड में टोटल कितने फैसेट होते हैं ये होते हैं फिफ्टी सेवन या फिफ्टी एट हमने कहा था क्यूलेट इज ऑप्शनल क्यूलेट हो भी सकता नहीं हो सकता है अगर एक क्यूलेट पर फैसेट है तो उसे फिफ्टी एट काउंट करेंगे अगर क्यूलेट पर फैसेट नहीं है क्यूलेट नहीं है तो फिफ्टी सेवन बोलेंगे आज हम उस फैसेट के होने या ना होने पर डिस्कस करेंगे आज हम समझेंगे क्यूलेट क्या है तो क्यूलेट क्या है देखिए वर्ड इज क्यूलेट क्यूलेट मीन्स ये जो निचला हिस्सा है जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड क्यूलेट ठीक है ना यहाँ पे जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड क्यूलेट बहुत समय से हम इसको क्यूलेट ही बोलते आए हैं इस हिस्से को हम क्यूलेट ही बोलते आए हैं बाजार में अगर आप देखेंगे डायमंड तो ये हमेशा पॉइंटेड मिलेगा आज के डेट में हर कस्टमर पॉइंटेड ही पसंद करते हैं पॉइंटेड का मतलब है बिल्कुल नोकीला लेकिन अगर आप पुराने जमाने के डायमंड्स को देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा फैसेटेट हुआ करता था हल्का सा इसमें से एक फैसट जैसा दिखता था तो पहले जमाने में फैसेट आप अगर आप गोलकुंडा डायमंड की बात करेंगे जो कि बहुत रेयर होते हैं और बहुत फेमस है उसमें अधिकतर में ही आप देखेंगे क्यूलेट है एक यहां पे छोटा सा फैसट है आज के डेट में लोग क्यूलेट पसंद नहीं करते पॉइंटेड पसंद करते हैं और इसी बात में आई का रिपोर्ट कुछ और था जी का रिपोर्ट कुछ और बोलता था आजकल तो जैसा मैं कहता हूं कि जब मैंने वीडियो बनाया था उस वक्त आई का जी का नियम अलग अलग था अब बदल गया है तो मैं आपको जी आई ए के नियम समझा दूं पहले जी आई ए का नियम जी आई ए का नियम यह बोलता है कि अगर आपके डायमंड में बिल्कुल नीचे हिस्से में एक प्लेन सरफेस है ध्यान रखिए मैं फैसेट नहीं बोल रहा मैं बोलता हूं प्लेन सरफेस और वो प्लेन सरफेस चाहे किसी भी रीजन से बना हो हो सकता है जानबूझ के ग्राइंड कर दिया गया हो घिस दिया गया हो तो एक प्लेन सरफेस बना हो।, हो सकता है कोई नेचुरल था नेचुरल स्किन था आपने जानबूझ के घिसा नहीं और फिर उसके वैसे एक प्लेन सर्फेस आ गया हो हो सकता है बिल्कुल चिकने तरीके से टूट गया हो उसके वैसे एक प्लेन सर्फेस आ गया हो एक प्लेन सर्फेस एक प्लेन सर्फेस चाहे पॉलिश किया गया है चाहे नेचुरल स्किन को छोड़ दिया गया जानबूझ के चाहे वो चिकने तरीके से टूट गया हो एक प्लेन सर्फेस अगर है पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन अगर वो प्लेन सर्फेस प्लेन के पैरल है गडल प्लेन मैं अभी ये नहीं समझाऊंगा गडल प्लेन क्या होता है क्योंकि वो गडल के वीडियो में समझा था मैंने तो अगर वो गर्डल प्लेन के पैरल होता है तो उसे हम क्यूलेट बोलेंगे अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होता है तो उसे हम क्यूलेट नहीं बोलेंगे ओके जी मान लीजिए आपके यहां डायमंड में एक छोटा सा फैसेट है आपने देखा क्या प्लेन सरफेस है हाँ है आपने बड़े ध्यान से देखा वो प्लेन सर्फेस प्लेन के पैरल नहीं है वो प्लेन सर्फेस प्लेन के पैरल नहीं है तो क्योंकि प्लेन के पैरेलल नहीं है तो क्या उसे हम क्यूलेट बोलेंगे? वो कंडीशन को पूरा नहीं करता हम बोलेंगे, no, तो हम बोलेंगे बोलेंगे नो, इट्स नॉट क्यूलेट। क्यूलेट तो फिर क्या है इस हीरे में क्यूलेट क्यूलेट की क्या क्या है? आप का स्टैंड लेंगे? हम बोलेंगे no extra facet. Extra facet है. इस जगह पे एक प्लेन सरफेस है और वो प्लेन सरफेस अगर गडल प्लेन के पैरल है तो उसे क्यूलेट बोलेंगे अगर वो गडल प्लेन के पैरल नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा फैसेट एक्स्ट्रा फैसेट ठीक है अगर एक नेचुरल स्किन है प्लेन सरफेस और वो नेचुरल स्किन पैरल है गडल के हम बोलेंगे हाँ देर इज ए क्यूलेट लेकिन अगर वो नेचुरल स्किन है लेकिन वो प्लेन सरफेस है लेकिन पैरल नहीं है तो हम बोलेंगे नो देर इज नो क्यूलेट तो उस नेचुरल स्किन को क्या बोलेंगे इट्स ए नेचुरल स्किन और नेचुरल स्किन होने की वजह से जो भी ग्रेडिंग पैसर पड़ेगा वो पड़ेगा समझेंगे थोड़ी बाद ठीक है जी पॉइंट्स क्लियर है अगर मान लीजिए आपके में, बिल्कुल है, है, नुकीला है, नुकीला है। तो क्या ये इसने दोनों कंडीशन को फुलफिल किया क्या, क्या प्लेन सरफेस है नहीं है तो पहला कंडीशन ही पूरा नहीं हुआ तो क्या हम उस हिस्से में इसको हम क्यूलेट बोलेंगे नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे नो दैट इज नो क्यूलेट तो जीआई का रिपोर्ट में क्या पढ़ने को मिलेगा नन दैट इज नो क्यूलेट आईजे में आता था पॉइंटेड अब आईजे भी लिखती है नन ठीक है जी तो क्यूलेट होने के लिए यहां यहां पर अगर क्यूलेट बोलेंगे क्यूलेट बोलने के लिए दो कंडीशन का पूरा होना जरूरी है पहला कंडीशन प्लेन सरफेस दूसरा कंडीशन वो प्लेन सरफेस गर्डल प्लेन के पैरेलल हो दो कंडीशन पूरे हो गए जी ओके अब अब सवाल यह है कि अगर क्यूलेट है मान लीजिए क्यूलेट है तो क्यूलेट के अलग अलग तरह के साइज होते हैं जैसे कि वेरी स्मॉल क्यूलेट स्मॉल क्यूलेट मीडियम क्यूलेट स्लाइटली लार्ज क्यूलेट लार्ज क्यूलेट वेरी लार्ज क्यूलेट एक्सट्रीमली लार्ज क्यूलेट तो अगर क्यूलेट है तो उसके सात तरह के साइज होते हैं क्यूलेट साइज सात तरह के क्यूलेट साइज होते हैं पॉइंट क्लियर जी तो पहला हो गया नन या तो क्यूलेट नहीं है नहीं है तो नहीं है बात वहीं पे खत्म अगर है तो उसका साइज कितना बड़ा है फिर हमें साइज देखना है कैसे देखेंगे टेबल से अंदर झांक के देखेंगे कि प्लेन सरफेस तो दिख रहा ना हमें अच्छा ये प्लेन सरफेस है ये प्लेन सरफेस का शेप क्या होगा मुझे बता सकते हैं क्यूलेट का शेप क्या होता है मुझे बता सकते हैं आप तो राउंड राँड होगा क्या क्यूलेट राउंड होगा क्या नहीं क्यूलेट ऑक्टेगन शेप में होगा अठमाज बोलेंगे ऑक्टेगन कैसे होगा साहब क्योंकि क्यूलेट को कौन से फैसेट बनाते हैं पवेलियन मेन फैसेट, फैसेट हैं आठ होते हैं है। तो जब क्यूलेट को घिसा जाएगा तो वो वैसे हम बोलते राउंड है दिखता राउंड जैसा है होता वो ऑक्टेगन शेप में है टेबल का ही छोटा सा हिस्सा मान लीजिए तो हमने ये समझा है कि क्यूलेट अगर है तो मैं आपको दिखा दूं एक बार स्क्रीन uh, शेयर करके आपके पीडीएफ में भी हमने दे रखा है तो जूम करके मैं आपको दिखाता हूं इसमें आठ तरह के क्यूलेट साइज हुए ये हो गया नन बिल्कुल भी पॉइंटेड है वेरी स्मॉल स्मॉल वो छोटा सा दिख रहा है आपको मीडियम स्लाइटली लार्ज लार्ज वेरी लार्ज एक्सट्रीमली लार्ज तो अकॉर्डिंग टू जी आई स्टैंडर्ड फिर क्यूलेट को ग्रेड कैसे करेंगे हाँ क्यूलेट को ग्रेड कैसे करेंगे इसके ग्रेडिंग के नियम क्या है तो क्यूलेट का ग्रेडिंग का नियम कुछ ऐसा है अगर आपके डायमंड में क्यूलेट नन है वेरी स्मॉल है या स्मॉल है अगर ये तीन में से कुछ भी है तो एक्सीलेंट ठीक है अगर मीडियम है तो वेरी गुड पहुंच गया तो वेरी गुड पहुंच गया जी मीडियम है तो वेरी गुड पहुँच गया अगर स्लाइटली लार्ज है तो फिर गुड पहुंच गया ठीक है तो यहां तक आप याद रख लीजिए इसके बाद पीछे लिखा है उसमें मुझे भी इसका ध्यान नहीं है क्योंकि आजकल लार्ज क्यूलेट वेरी लार्ज क्यूलेट बहुत ही कम आते हैं ना के बराबर आते हैं सब आपके सब पॉइंटेड आते हैं तो अगर पॉइंटेड भी है और वेरी स्मॉल भी है यहां तक कि स्मॉल भी है तो भी आपका डायमंड का जो क्यूलेट की ग्रेडिंग है वो पैरामीटर एक्सीलेंट क्वालिफाई करेगा मैं आपको बता दूं क्यूलेट कई बार जानबूझ कर रखा जाता है और वो इसलिए रखा जाता है ताकि हीरे पे थोड़ी सी मजबूती आए स्ट्रेंथ आए मजबूती आए क्योंकि अगर हाथ से हीरा गिरा तो गडल से भी पहले सबसे पहले जो चिपिंग होती है वो क्यूलेट पे होती है तो हो सकता है अब आपके मन में ये सवाल आए पता नहीं आपके मन में सवाल आए नहीं आए लेकिन मेरे मन में तो सवाल आ ही रहा है अगर ड्यूरेबिलिटी को भी ध्यान में रखकर कट ग्रेड सिस्टम को बनाया गया है अगर पतले गडल को भी ध्यान ग रखकर कट ग्रेड सिस्टम को बनाया गया है कि अगर ज्यादा पतला गडल होगा तो ग्रेड नीचे गिर जाएगा एक्सीलेंट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो फिर पॉइंटेड क्यूलेट को क्यों छोड़ दिया गया क्योंकि पॉइंटेड क्यूलेट सबसे ज्यादा खतरा होता है चिपिंग होने का पतला गर्डल से भी ज्यादा तो फिर पॉइंटेड क्यूलेट अगर है नन क्यूलेट है तो भी उसको एक्सीलेंट पे क्यों रखा गया है क्या यहां पे कोई ड्यूरेबिलिटी का थ्रेट नहीं है वो इसलिए है क्योंकि आज के रेट में हंड्रेड के हंड्रेड लोग पॉइंटेड क्यूलेट ही चाहते हैं और अगर हम पॉइंटेड क्यूलेट को वेरी गुड बोल देंगे तो हर डायमंड वेरी गुड में आ जाएगा हम जबरदस्ती थोप नहीं सकते ठीक है आप समझ रहे हैं इसीलिए पॉइंटेड क्यूलेट ज्यादा नाजुक है थिन के मुकाबले फिर भी पॉइंटेड क्यूलेट को एक्सीलेंट पे जगह दिया, दिया गया है आप रीजन समझ रहे हैं जी क्योंकि लोगों की डिमांड है हमें पॉइंटेड क्यूलेट ही चाहिए इसलिए इग्नोर कर दिया चलो ठीक है पॉइंटेड क्यूलेट है तो भी एक्सीलेंट में क्वालिफाई कर जाएगा बेशक टूटने का डर है कोई बात नहीं डिमांड है लोगों की चाहते हैं लोगों की चाहने दो